तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस और IIIE। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, पहला क्वेश्चन में, इन अ हाइड्रोजन एटम, इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दैट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हम इस दो का आंसर लिख दिए पहले से। ठीक ना, उसके बाद आगे से हम खुद से मतलब बना के, ठीक है, तो समझा देते दो आंसर। ठीक है, तो जैसे देखो एनर्जी पूछता, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 इंटू JD² / NE² ठीक है, JD² / NE² ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक ना, ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बोलता है एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या चाहिए हुआ, N=2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स N=3, एक्साइटेड स्टेट मीन्स क्या, इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में जा रहा, ठीक ना, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, N=N+1, N=N+1, ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या चीज बोलता है, क्वेश्चन बोलता है, इन हाइड्रोजन एटम, इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दैट इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए N=3 हो जाएगा, N=3 पुट कीजिए, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बोलते हैं एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी 1, देन पुट द फॉर्मूला E=13.6 इंटू Z² / NE², वी गेट एन आंसर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। अब आता अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ मिनट पार्टिकल ऑफ मास 25 ग्राम इन स्पेस इज 10⁻⁵ मीटर, बट इज अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, अब हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी पे ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक ना, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी लिख दिए हैं फॉर्मूला, Δx इंटू मोमेंटम। ठीक ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, Δx मीन्स चेंज इन डिस्टेंस इंटू चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर इक्वल टू लीनियर मोमेंटम H/4π। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला Δp, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू mv, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ Δp इन दिस इक्वेशन, वी गेट दिस, Δx इंटू m इंटू Δp इज ग्रेटर इक्वल टू H/4π, देन चेंज इन वेलोसिटी जो कि पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू H/4π इंटू चेंज इन डिस्टेंस इंटू मास m। ठीक है, और h क्या चीज होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या चाहिए, 6.63 × 10⁻¹⁴, ये पुट करो, वी गेट एन आंसर। ठीक है, और आंसर क्या चाहिएगा, आंसर इसका आएगा 2.1 × 10⁻³। ठीक ना, 2 × ये वाला आंसर आएगा 2.1 × 10⁻², 2 का सी सॉल्व करना से। अब आता है, बोलता है कि थर्ड नंबर, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe2+। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन में Fe2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिटेन होगा, ठीक है, तो बताते हैं हम क्या चीज कैसे होगा। ठीक ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिटेन इन ये, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिटेन। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ये बोलता है डी ऑर्बिटल। ठीक ना, डी ऑर्बिटल का बात करता है, डी ऑर्बिटल में एक एल आता है, एल क्या चीज होता है, एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो याद रखना SpDf, ठीक है, एस के लिए L=0 होगा, पी के लिए 1 होगा, डी के लिए 2 होगा, एफ के लिए 3 होगा। ठीक ना, एफ के लिए 3 होगा। अब जैसे ये डी ऑर्बिटल का बोलता है, तो अपबाव प्रिंसिपल आता है, अपबाव प्रिंसिपल के तहत हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अपबाव प्रिंसिपल के तहत लिख सकते हैं 1s, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है, 3d10, ठीक ना, 3d10, ठीक है, 3d10। और ये पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल रिटेन इन Fe2+, किसके लिए बोलता है, Fe2+ में डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रिटेन करेगा। ठीक ना, रिटेन करेगा, तो Fe का क्या चीज होता है, एटॉमिक नंबर Fe का होता है 26। ठीक है, 26 होता है, ठीक ना, 26, तो यहाँ से काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18
तो 20, ठीक है 20 आ गया। अब यहाँ पे कितना घट रहा है, 6 घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिख दे रहे हैं, 3d6, ठीक है। मतलब इसका आ जाएगा आपका आर्गन, आर्गन का 20 होता है, 4H2 3D6, ये हो गया इसका, ठीक ना, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब बोलता है Fe2+ का, Fe2+, अब 2+ मींस क्या, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, मीन्स इसका आ जाएगा 24 पे लेना। तो ये जो 2+ हमेशा कहीं पे भी रिमूव होता है, ये एस ऑर्बिटल का रिमूव होता है, ठीक ना, ये एस ऑर्बिटल का रिमूव होता है, ना कि डी ऑर्बिटल का, ठीक है। और यहीं से फंसा देता, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना, यहीं से फंसा देता। तो ये हमेशा कहीं पे भी अगर सी आर 2+ रहे, ठीक है, तो इसका क्या चाहिए होता है, 4S1 3D5। तो इसका क्या होगा, एक एस जाएगा, एक ये जाएगा, पर एस का ही सबसे पहले जाएगा, तो इसका एस ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ बच के आ जाएगा, यहाँ पे बच के आ जाएगा इसका 3D6, मतलब जितना था पहले उतना ही रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड रहेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लो दिया है कि नहीं, ठीक है, देखो ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, 3 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थोड़ा हिल जाता है कभी कभी, ठीक ना, तो सी में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, सी में ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ, ठीक ना, देखो सी में ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी 6 दिया हुआ है, और हम 6 एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, तो 3 नंबर बन गया, ठीक है। आप जल्दी जल्दी आते हैं थोड़ा, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन 4n इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय रूट अंडर L(L+1)(H/2π). दिस मोमेंटम फॉर एन एस इलेक्ट्रॉन के जी एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा, ठीक ना, एस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या समझाए थे, हम समझाए थे कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है क्या चीज़, यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे समझाए थे, यहाँ पे होता एस पी डी एफ, ठीक है, एल एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ठीक है, 3, ठीक है, ठीक है, ठीक ना। तो अब L इक्वल टू 0 हो रहा है S के लिए, और वो S के लिए ही पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम, ठीक ना, S के लिए ही एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे L इक्वल टू रूट अंडर L(L+1), ठीक है, .H/2π, तब ये टोटल 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या चाहिए आएगा, 0, ठीक ना, तो आंसर आ जाएगा 0, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। तो कभी भी अगर सिंगल एटम दिया हुआ रहा है, सिंगल एटम दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ रहा है, ठीक ना, तब इसका क्या चीज लेंगे, वैलेंसी लेंगे, वैलेंसी लेंगे, ठीक है। और कभी भी दो गो एटम दे दिया रहा है, जैसे CN दे दिया रहा है, तो इसका क्या चीज लेते हैं, इसका क्या चीज लेते हैं, वैलेंसी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, इसका बैलेंस ही लेते हैं। और कभी भी सिंगल एटम दिया रहे तो इसका एटॉमिक नंबर लेते हैं, क्या चीज़, एटॉमिक नंबर लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जैसे ये बोलता है कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे के प्लस हो गया, ठीक है, सी एल माइनस हो गया, एम जी 2+ एस सी 3+, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब बनाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम, पोटेशियम का क्या चीज़ होता है, 19, पोटेशियम 19 हो गया, अब प्लस चार्ज लगा हुआ, मतलब 18, क्लोरीन का 17 होता है, माइनस चार्ज लगा हुआ, मतलब 18, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, 2+ लगा हुआ, मतलब 10, ठीक है, स्कैंडियम का 18, 21 होता है, 3+, तो 18, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, मैग्नीशियम का 10 है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है, फिर है Na+ Ca2+, ठीक है, Na+ Ca2+, ठीक है, Ca2+ Na+ हटा दो, सी ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक ना, Ca2+ K+ Sc3+ Cl-, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्या चीज हो जाएगा, कैल्शियम का 20 होता है, 20 होता है, 2+ लगा हो तो क्या चीज हो जाएगा, 18, पोटेशियम का होता है 19 एटॉमिक नंबर, 1+ लगा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। स्कैंडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 21 होता है, 3+ लगा, -3 = 18,
18 हो गया, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, और एक माइनस लगा हुआ है, माइनस मीन्स प्लस वन, इक्वल टू कितना हो गया 18। देखो सब सेम है, सब सेम है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो 11 नंबर का क्या चीज हो गया, 11 नंबर का सी ऑप्शन, ठीक है, 11 बन गया, ठीक है। अब आता है 12 नंबर, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाई द थ्री क्वांटम मेंबर्स विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये मेरे ख्याल से इस साल एक्सपेक्टेड रखना चाहिए 2019 में, ठीक ना, शायद पूछ सकता है क्वांटम नंबर से क्वेश्चन, ठीक ना, क्वांटम नंबर से पूछे होगी उस समय, तो इसलिए पूछ सकता है, ठीक है, ठीक ना। तो देखो जैसे बोलता है कि n इक्वल टू, जैसे बोलता है उसमें n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ठीक है, ये बोलता है, ठीक है, ए नंबर में, ठीक है। तब एस पी डी एफ होता है, ठीक है, तो n 1 हो गया, l इक्वल टू 0, 0 के लिए s हो जाएगा 1s, ठीक है, ये 1s हो गया। बी नंबर में क्या चीज बोलता है, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे 2, l इक्वल टू 0, 2s हो गया, ठीक है। सी नंबर में क्या चीज बोलता है, सी नंबर में बोलता है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज 2, l इक्वल टू 1 मतलब p, 2p हो गया। डी नंबर में क्या चीज बोलता है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1, तो 3 हो गया डी नंबर में, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू, m इक्वल टू 1, 3, और l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, 3d, 3d, ई नंबर में है, n इक्वल टू 3, ई नंबर में n इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 2, एम इक्वल टू 0, 3, एल इक्वल टू 2 मीन्स पी, ठीक है, 3, एल इक्वल टू 2 मीन्स, एल इक्वल टू 2 मीन्स डी, ठीक है, 3d, और ये 3d मतलब डी एंड ई सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया।